जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर उन शहीन बच्चों को पालो पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। नाज़रीन इकराम, आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो इलामा मोहम्मद इकबाल की मोहब्बतों की अमीन है। यूं तो इलामा इकबाल की मोहब्बतें पूरी कायनात पर वसत रखती हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी सारी ज़िंदगी कौम के गम में गुजार दी, मगर इलामा इकबाल की मोहब्बतों का अमीन उनका एक घराना है। और आज इस अजीम हस्ती के अफकार और अफलास पर ज़िक्र करने के लिए हम जिस शख्सियत के यहाँ मौजूद हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। मुआशरे में इनकलाब की बात हो या इंसाफ की, वुमन एम्पावरमेंट की बात हो या ह्यूमन राइट्स की, आप मुल्क और कौम की तरक्की के लिए हमेशा कोशा रही हैं। जी नाज़रीन इकराम, आज हम डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल की बहू यानी जस्टिस नासरा जावेद इकबाल के यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना के दौर में जैसा इंसान हो सकता है घर में एक मैसूर हो के वैसे ही। मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे वेब चैनल से मुखातिब हुई हैं, थैंक यू सो मच। मैम हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ इकबाल के उस तसव्वुर से करेंगे जो उन्होंने एक अलग रियासत का दिया, और इस रियासत को पाने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैम उन हमारी यूथ के लिए उन कुर्बानियों का क्या सबक है? मैं समझती हूँ हमारे आजकल के नौजवान जो हैं वो इससे पिछली नस्ल से बहुत ज़्यादा बाशऊर हैं और वो चाहते भी हैं पाकिस्तान के लिए कुछ करें। 64% आबादी हमारी इस वक्त जो है वो नौजवानों की है, ये हमारी आखिरी मरदमशुमारी में उन्होंने शुमारियात में बताया था। लेकिन मौका उनको फराहम हो तो तभी वो कुछ कर सके। कायदे आज़म ने हमें फरमाया था कि तीन चीज़ों से आप बहुत बच के रहें। एक है नेपोटिज़म, यानी कि अकरबा परवरी। आप देखें हर तरफ अकरबा परवरी ख़ास तौर पर सियासत में छाई हुई है। बड़े बड़े ओहदे जो हैं किसी भी इदारे में, उस पर भी अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को रखते हैं और आम तौर पर नाअहल होते हैं। तो जब नाअहल होते हैं तो उसका नतीजा सारी कौम को भुगतना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा था वो करप्शन। करप्शन तो सारे हमारे माशरे में ऐसे फैल गई है और हर एक के बीच में है। हर एक समझता है कि दोबारा मेरी बारी आनी नहीं है और किसी को अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना, यही इन्होंने जिन्होंने मुझे मुकर्रर किया इनको जवाब देना है, उनकी जेब भी भरे अपनी जेब भी भरे। जिस वक्त पाकिस्तान का क़याम हुआ था तो यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पर बहुत सारे एहसासे हिंदुओं के थे, वो ही ज़्यादा चलाते थे कारोबार भी और इमारतें, ज़मींदारी उनकी थी। तो जब वो गए तो अपने एहसासे यहाँ छोड़ गए और अपना ईमान साथ ले गए। तो वो क्लेमें डालने के लिए जिन्होंने कभी हिंदुस्तान की शक्ल नहीं देखी थी उन्होंने ये झूठ बात बना ली कि जी हमारे वहाँ इतने मुरब्बे थे, हमारे फलानी जगह पे मकान था, फलानी जगह पे दुकान थी, और जो असल हकदार थे उनको कुछ मिलने की नौबत मुश्किल आई। ज़्यादातर उन लोगों ने ले लिया जिनका कोई हक नहीं था, और बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा इस तरह करते। तो ये, और तीसरी बात जो है वो जौबरी सिफारिश। हर ओहदे के लिए यहाँ लोग समझते हैं कि सिफारिश के बगैर हमारा गुजारा नहीं चलता, और फिर सिफारिश के लिए लोग पैसे लेते हैं कि जी हम आपकी सिफारिश करेंगे, इतने पैसे हमें दें तो आपकी सिफारिश कामयाब हो जाएगी। जब कोई सिफारिशी बंदा कोई ओहदा संभाल लेता है तो इसका मतलब है जो बंदा उस ओहदे के अहल है उसको वो ओहदा नहीं मिलता। नतीजा ये है कि हर काम जो है वो गलत अंदाज में होता, यही हमारे कौम का अलमिया है। इनकी जड़ें तो पिछले 72 सालों में बहुत मजबूत हो गई, लेकिन ये जो आज की नौजवान नस्ल है जो 64% आबादी है उनकी कोशिश से ही ये तब्दील हो सकती है, क्योंकि वो अक्सरियत में है। बिल्कुल, जैसा कि इकबाल ने भी अपने कौम के जवान को शाहीन कहा है, और आपकी इजाज़त हो के मैं इकबाल का एक शेर भी पढ़ना चाहती हूँ। जैसे कि इकबाल कहते हैं कि तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मैडम बिल्कुल, जिस तरह हम अगर यूथ की तरफ देखें तो हम एक इंथुजियाज़म, एनर्जी, होप, ये तीन लफ्ज़ हमें उनके चेहरे पर ही मिलते हैं। तो हमारी जो यूथ है वो ऐसी कौन से काम कर सकती है कि जो अपने माशरे में वो तब्दीली ला सके, इनकलाब ला सके, और हमारी जो हमारा पाकिस्तान है वो तरक्की और खुशहाली की राहों पर गामजन हो सके?
एक तो जिस वक्त इलेक्शन होता है, इन सारे 64% जो हमारे नौजवान हैं उनके पास वोट है, हर पार्टी अपना मंशूर देती है, तो ये पहले तो उनसे ये वादा लें कि जी जो हमने मंशूर में कहा है वही हम उस पर अमल करेंगे, और उनको वोट पहले तो जांच परख के दें कि ये वाकई लोग ऐसे हैं जो अपना वादा पूरा करेंगे या नहीं, और फिर उसके बाद जब वोट दे दें तो फिर उनके ऊपर हर वक्त एक निगरानी रखें कि ये वाकई अपने वादे पूरे कर रहे हैं या नहीं कर, तो इस तरीके से बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। मैम, आप हमारी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगी? अलामा ने तो कहा है, अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो हर नौजवान लड़की या लड़का अपने हिस्से का अमल करे और पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा ले भरपूर, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। और ये भी इकबाल ने कहा, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मैम, हम आपके बहुत मशहूर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त दिया, आपने हमारी नौजवान नस्ल से मुखातिब हुई और आपने हमें हमारी इस्तलाह की, जो आज के माशरे में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उससे दूर जाती हुई जा रही है। उम्मीद है कि जो हमारे नाजरीन हैं और हमारी जो ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल है उनको इससे बहुत ही अच्छा सबक मिला होगा और वो उसको अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके इसे सबक हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।